नाटक तो हम सब देखते हैं, लेकिन नाटक के लिए भी एक मंच होता है जो जगह के हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि शमशान घाट में बॉलीवुड के गानों पर लोग थिरक रहे हैं? शमशान घाट में महिला पुरुषों का एक साथ मजमा लगा हुआ है। लेकिन राजस्थान के जयपुर से एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के एक शमशान घाट में रंगमंच सजाया गया और इसमें नाटक का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में महिलाएं भी शामिल हुई, जबकि यह मान्यता है कि महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती हैं। अजीबोगरीब बात यह रही कि शमशान घाट में हुए इस नाटक के दौरान मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने पर डांस भी किया गया, जिसमें महिला कलाकारों ने भी जबरदस्त डांस किया। रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला जयपुर के प्रताप नगर स्थित शमशान घाट का है। यहाँ शुभ विचार नाम की एक सामाजिक संस्था ने शमशान घाट नाम के नाटक का मंचन किया। इसका निर्देशन नाट्य और संगीत शोधार्थी जितेंद्र शर्मा ने किया था। इस नाटक के स्थान और कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन जितेंद्र शर्मा ने इस नाटक की तारीफ की है। नाटक का मर्म समझाते हुए जितेंद्र शर्मा ने बताया कि नाटक से यह संदेश दिया गया है कि लोगों का जीवन बुरे कार्यों से और अधिक छोटा हो जाता है, इसलिए उन्हें अपना जीवन अच्छे कार्यों पर ही खपाना चाहिए, जिससे जीवन सार्थकता की ओर आगे बढ़े। इस कार्यक्रम को लेकर समाज का एक वर्ग सवाल उठा रहा है कि आखिर शमशान घाट में इस तरह के अश्लील कार्यक्रम क्यों किए गए, फिल्मी गानों पर डांस क्यों किया गया और महिलाओं को एंट्री कैसे दी गई। दिलचस्प बात यह है कि जब नाटक खत्म हुआ तो उसमें काम करने वाले कलाकारों ने एक सकारात्मक प्रण भी लिया। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी धूम्रपान नहीं करेंगे। लोगों ने इस प्रण के लिए कलाकारों की तारीफ की है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24x7।